तो ये व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। सो आज माना भाई तुम्हें डेली सो आज 7th of March 2024 आई मीन एंड 10:05 हो रहा टाइम इज द। तो अभी आज मैं फिर से कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ एंड कॉलेज क्यों जा रहा हूँ बिकॉज कल जो प्रोसेस हुआ था उसमें थोड़ा सा और प्रोसेस करना है और फिर मैं हो जाएगा मेरा चीज़। अब काफ़ी लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो ऑलरेडी कॉलेज कर लिया था। तो कॉलेज में मैंने किया था BBA LLB विच इज़ अ बैचलर्स डिग्री नॉट अ मास्टर्स। ना BBA बैच मास्टर्स है ना LLB मास्टर्स है। तो अब मैं प्लान कर रहा हूँ MBA की। तो 2 साल का MBA है, MBA के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, इसके वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं क्या होता है, आज उसका एक कंक्लूजन मिलने वाला है हमें, तो वो कंक्लूजन लेते हैं और आएंगे फिर घर की तरफ। मुझे मोस्ट प्रॉबली 2:30 बज जाएंगे घर आते आते, आज पूरे दिन भर उधर का ही काम है सारा। एंड एक मुझे बैंक भी जाना है। हेलो जी, जी गुड मॉर्निंग, बताओ। अरे भाई नंबर कौन दे रहा है आप लोगों को, दूसरे आदमी के साथ 18 सेकंड में वेस्ट कर रहे हो, नंबर कौन दे रहा है तुम्हें? हाँ तो मत लो ये नंबर मेरे, फालतू में हर जगह से नंबर उठा लेते हो, डेली के साले 10-10, 15-15 फोन कर करके परेशान कर रखा आदमी को, फालतू के नंबर कॉल चाहिए। एंड जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि अननोन कॉल्स नहीं हो रहा। अब ये जो आईफोन है, आईफोन वाला नंबर मेरा बिल्कुल ही पर्सनल है, इसमें तो मैंने बिल्कुल वो कर रखा, अननोन कॉलर्स को मैंने इसमें बिल्कुल ब्लॉक कर रखा, मतलब अननोन कॉलर्स में जो नंबर सेव है वही कॉल कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। तो इसमें तो आते ही, बट इस फोन में बिजनेस वाले फोन में दबा करके फोन। तो ये कुछ है, अभी चलते हैं कॉलेज एंड आप लोगों को मिलता हूँ मैं GoPro के ऊपर, एक्टिवा को लेकर जाएंगे आज भी। एंड काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे दैट मैं काफ़ी टाइम से ड्यूक नहीं चला रहा हूँ, तो बताऊंगा बहुत जल्द बताऊंगा, एक बार मैं डेली से होके आ जाऊँ, बलेनो को थोड़ा सा अपग्रेड करवा लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं ड्यूक चला पा रहा हूँ। है उसके पीछे रीज़न है, ऐसा नहीं कि मैं इंटेंशनली चला रहा हूँ, रीज़न है उसके पीछे, बताऊंगा मैं रीज़न आपको किसी व्लॉग में। ओके गाइस, ओके। सो भाई लोग 11:15 इज़ द टाइम इज़ द एंड मैं डिपार्ट कर चुका हूँ अपने ऑफिस से इज़ द, बिकॉज बैंक में कुछ काम है, मुझे सर्वे ऑफ इंडिया वाली ब्रांच में जाना है। मानो भाई अब बैंक से मतलब ये नहीं होता कि बैंक कोई भी बैंक, मानो भाई के बस 3-4 ही बैंक है अपने जहाँ मानो भाई के काम एस में हो जाते हैं, तो उनमें से एक बैंक है PNB, तो वहीं चलना है अभी। एक्चुअली मैं ये भी एक कुछ काम है जो कि मैं बहुत टाइम से टाल रहा हूँ। एंड सो आते हुए कोर्ट में जो मैंने काम बोला अभी आपको, मैं भूल गया था, मैं दरअसल में कुछ सोचने लग गया था, तो वो काम है मेरे को एक्चुअली में कुछ चीज़ है जिसके लिए मुझे वर्कआउट करना है, तो वो काम करने के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाएंगे और इसको अप्लाई करेंगे क्योंकि मार्च एंड आने वाला है, मार्च एंड अप्रैल के, मैं सोच रहा हूँ अप्रैल के फर्स्ट वीक में अप्लाई करके अगस्त तक ले करके और फिर कानपुर चले जाऊँ मैं, तो कानपुर जाना पड़ेगा, कुछ काम है। जैसे वेट टाइम में आप लोगों को बताऊँगा, बिकॉज़ मेरे तो एक दिक्कत ये अभी है ना ज़िंदगी में कि मैं काम बता देता हूँ होता ही नहीं, फिर दिक्कत ही दिक्कत हो जाती है, तो काम रुके ना, इसलिए अपने को पहले वो करना पड़ेगा, पहले काम करना पड़ेगा तब बताना पड़ेगा आप लोगों को। वॉलेट चेक, ATM चेक, लाइसेंस चेक, RC चेक, पॉल्यूशन चेक, इंश्योरेंस चेक। वैसे हमारे यहाँ ना देहरादून में सकता ही बहुत है रुकी समय, कहते हैं बाइक्स पे, बाइक्स मतलब एग्जॉस्ट वगैरह लगा के चलाना बहुत मावरत है, इसलिए मुझे Z900 ऐसी ढूंढ रहा हूँ मैं जो मुझे स्टॉक में मिले, जिसका या फिर स्टॉक एग्जॉस्ट भी मिले मुझे साथ में। खैर मन तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहुत कुछ है, मन तो तुम्हारा चंचल है। चलो भाई पहुंच गया मैं बैंक भाई लोग, अब बैंक से अपना काम निपटाते हैं और फिर चलते हैं कॉलेज की तरफ। हम के यार
तो भाई लोग यहाँ से भी बैंक से निकल चुका हूँ, 12:11 हो रहा है, टाइम इज़ द, और अब भागना पड़ेगा अपने को थर्ड डेस्टिनेशन पे इज़ द, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद चलेंगे हम उधर की तरफ। हाय, तो भाई लोग मैं बहुत ही ज़्यादा चुप चुप था पूरे व्लॉग में अभी तक, और मतलब बीच का पार्ट कट कर दिया, मतलब बीच का पार्ट मैंने कट कर दिया होगा, तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चुप चुप था। तो पहुंच गए हम लोग SBI हॉल, और भाई हॉर्न बजा रहा, मेरे को भी वहीं जाना है भाई जहाँ तुम्हें जाना है। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये रियर वाइपर जो है इसका ये उल्टा लगा रखा, मतलब ये किसी और गाड़ी का लगा रखा और उल्टा लगा रखा है, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि यूजुअली वाइपर्स यूं करके चलते हैं, यूं यूं ठीक है ना। अभी किसी गाड़ी में दिख जाए मुझे तो मैं दिखा दूंगा। आई एम फाइंडिंग वाइपर ब्रो, प्लीज़ मुझे हॉर्न देके डिस्टर्ब ना करें, इसमें भी नहीं है यार। ये स्कॉर्पियो में है क्या? स्कॉर्पियो में आता, ये देखो स्कॉर्पियो में है ना, ये यूं करके तो चलेगा, वो उल्टा था मुझे लग रहा, पता नहीं जो भी होगा, क्या पता i10 में आता ही ऐसा हो, मैं भी गलत हो सकता हूँ ना। देखो बलिनो में भी ऐसी है, पर किया सेल्टॉस में भी ऐसा है यार, मतलब i10 में सही था, मैं गलत था। अरे भाई कौन है ये विक्रम वाले यार, कितना हॉर्न बजाते हो यार तुम लोग, शर्म नहीं है कोई। 2000 years later. So, भाई लोग 155 हो रहा है, टाइम इज द, और अब मैं घर जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली में अभी चिकन चाउमीन और डिमसम्स खाने आया था कॉलेज के बाद, ओके गाइस, एंड अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, घर चलते हैं। ओ भाई साहब, मौत के मुंह से बाहर आया भाई ये ट्रक वाला, ब्रेक ना मारता तो गया था ये। चलो भाई, दीदी चला देते आप तो कितना अच्छा होता, एक तो इसके बड़े बड़े टायर, एक तो ये ग्राफिक आरा वालों की बस ही नहीं खत्म होती भाई, दिन भर में 3600 बसें दिख जाती हैं रोडों पे, अभी तो देखना तुम्हें 4-4 बसें 5-5 बसें एक साथ भी दिख जाएंगी। वो बात अलग है, मैं तुम्हारे कॉलेज में पढ़ने आ रहा, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना बस भेज दो तुम, क्यूट गर्ल क्यूट गर्ल्स रिएक्शन कैसे लूंगा मैं। अबे साले, अगर तुमने बस भेज दी तो दीदी भी ओवरटेक मार रही थी बस को, दीदी दीदी भी मारनी भाई, 22 नंबर की बस है ये, इसका मतलब है कि 22 से भी ज़्यादा बसें होंगी ये, 22 नंबर तो पता नहीं कौन सी नंबर की बस होगी ना, या फिर 20 से शुरू कर दिया होगा इन्होंने, ऐसे ही कुछ होगा, जो भी हो हमें क्या लेना, हमारा कौन सा, हम तो अपनी धनों से। अबे अच्छा बैग तो पीछे है मानो भाई तुम्हारा, चल भाई। एक तो साला आएगा सुई जा नहीं घुसती, वहाँ इतनी बड़ी बस घुसा दी ऊपर से चला नहीं रहा, दर्द अलग हो गया मेरे, पूरी खाली रोड पड़ी हुई आगे बस के। अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा घड़ी में तो इसके ब्रेक लग जा रहे, पता ही नहीं, जजमेंट ही नहीं है बस का। भाई तू इसे साइड लगा ले यार, देखो देखो देख अंकल जी कहाँ घुस गए उसके। चार गालियां खाएंगे अंकल जी दीदी से भी, ऐसे होता है ओवरटेक, रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, चलना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, इस ग्लेंस में किसी ने ना नंबर प्लेट लगाई और उल्टी लगा दी, मतलब जो फ्रेम है वो उल्टा लगा दिया, जो थी पहले नफरतें। भाई साहब कितना बेवकूफ आदमी है, जो थी पहले नफरतें वो है आज तालियां। अब ये क्यों बन रहा है भाई, पक्का बोल्ट बना रहे होंगे इसमें भी कुछ, मिले कुछ बड़े 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 यूट्यूबर जिन्होंने उड़ाया मेरा मजाक, गुस्सा में पी गया, फिर मैं वहीं गया। तो भाई लोग मैं पहुंच जाऊंगा 2:30 तक अपने घर, और उसके बाद मैं कुछ प्लान्स बनाऊंगा,
वैसे गर्मी आ गई गाइस देहरादून में। ये देखो ग्राफिक कह रहा कि चौथे नंबर की बस आ रही है, यानी कि एक से शुरू कर रही है इन्होंने गिनती, और यानी कि ठीक ठाक बसें हैं भाई ग्राफिक कह रहा की। अभी ये तो बिजनेस है बिजनेस, मुझे भी फोर्स कर रहे थे, कह रहे थे बस, अरे मैंने कहा बस में मैं चार बच्चों को दे रहा हूँ झारखंड से, मैं चार बच्चों को अपने साथ ले आऊँगा, तुम बस की बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो तुम्हारे चार बच्चे भी मिस हो जाए बस से। वैसे आजकल है बच्चों को ज़रूरत बसों की, मुझे लगता नहीं, क्योंकि बच्चे तो पैदा बाद में होते हैं, एक्टिव 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 पहले चलानी शुरू कर देते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, पर फिर भी यार जरूरत है क्या? मुझे लगता नहीं है ऐसी जरूरत है। ये तो यही है कि फोर्सफुली कॉलेज वाले बोलते होंगे कुछ 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 कुछ, पेरेंट्स को कान भरते होंगे स्कूल वाले को, यार स्कूल में नहीं होती अब तो बसें, यार बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनकी बसें ही नहीं है। अब नाम लूँ तो सेंट थॉमस उनमें से एक था मेरे टाइम पे, सेंट जोसेफ एक है, सेंट जोसेफ में तो मेरे ख्याल से अब तो होगी हैं पर पहले नहीं थी, CGM है, बहुत सारे ऐसे स्कूल जिनमें बसें नहीं हैं, पर अच्छे स्कूल हैं बड़े स्कूल हैं, जब उनमें नहीं है ज़रूरत तो इनमें किस बात की ज़रूरत? स्कूल में तो है नहीं बसों की ज़रूरत, कॉलेज में पड़ जाती है बसों की ज़रूरत, कैसे कैसे दिक्कतें हैं देश की। खैर चलो सबका सबकी सोच मेरी तरह होगी तो फिर देश चलेगा कैसे माना भाई? तुम हो ना, तुम तो आर्किटेक्ट भी बन जाते हो, तुम तो डॉक्टर भी बन जाते हो, तो सब तुम्हारी जैसी सोच होगी सब में तो देश कैसे चलेगा आगे प्रगति की तरफ? नहीं प्रगति मैदान नहीं बोल रहा हूँ मैं, या फिर प्रगति वो नहीं बोल रहा हूँ यूट्यूबर वाली, मैं प्रगति विकास विकास की तरफ। अरे यार क्या करूँ, अब विकास भी कोई लड़का नहीं है, ये फंस गया सी है। विकास की तरफ सब्जियाँ देर से पहुँचेंगी अंकल घर। अंकल पीछे का ढक्कन बंद कर दो, इसका पिछवाड़ा बंद कर दो। मानो भाई तुम भी यार गलत गलत बातें करा करो भाई, मोमो ज्यादा खा लिए साला इनका पेट में फूल रहे हो। उड़ा दूं टैक्सी वाले की तरह रहा है। एक ये बीच में लगा के बैठ गया बेवकूफ आदमी, पता नहीं कहां कहां से आते हैं ऐसे कलाकार आदमी, मतलब कॉमन सेंस भी कहां से चढ़ने जा रही थी। देखना भाई ने तो लाइटें मॉडिफाई करा के लगा रखी, मुझे लग रहा है ऐसा कि जगह बना के लाइटें मॉडिफाई करके लगा रखी, बिकॉज कर्व है लाइट में और बॉडी में कर्व नहीं है उसके हिसाब से, लाइट किसी और गाड़ी की होगी है, बोलेरो बोलेरो की लग रही मुझे तो। देख 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 चौड़ लगा है कि वाली जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।